नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विप्र महासभा के संस्थापक और फाइट फॉर राइट संस्था के अध्यक्ष सुनील उदैया जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आना और आम जनता के संघर्षों के लिए लड़ने के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जब मैं सरकारी नौकरी में था तो कई मेरे सामने ऐसे मुद्दे आते थे जी, कमजोर और गरीब वर्ग के कर्मचारियों के, ठेका कर्मियों के, तो उस समय भी मैं उनकी मांगों के लिए लड़ता रहता था, उनके अधिकार के लिए लड़ता रहता था। और 18 साल की सरकारी नौकरी के बाद मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है फील्ड में काम करने की, लोगों के लिए न्याय दिलाने की जी। तो मैंने फिर BRS लेकर के और जन समस्या के लिए लड़ने का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। वो मैं आज तक 11 साल से लगातार करता आ रहा हूँ जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि VRS आपने लिया है, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि विप्र बोर्ड की मांग को लेकर भी आपने प्रमुख भूमिका निभाई है जी, जी। और इसके साथ ही इसमें किस प्रकार की मुश्किलों का है वो आपको सामना करना पड़ा? देखिए, पिछली सरकार में जी कांग्रेस ने वादा किया था विप्र बोर्ड बनाने का जी, उसको लेकर के हमने धरने, प्रदर्शन, रैली, जो भी करना था वो किया और अंततः सरकार ने विप्र बोर्ड बनाया जी। विप्र बोर्ड में अध्यक्ष भी बने, लेकिन कुछ खामियां रही, जिससे बजट नहीं मिल पाया, कुछ कार्य योजना नहीं बन पाई, कुछ योजनाएं नहीं बन पाई जी। और जो विप्र बोर्ड का जो काम होना चाहिए था, जिसके मार्फत लोगों का जो भला होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद सरकार बदल गई, तो अभी विप्र बोर्ड अस्तित्व में है नहीं, काम कर नहीं रहा है जी। तो वो बनना नहीं बनना लगभग बराबर सा ही रहा, मतलब कि सरकार बदलती रहती है तो विप्र बोर्ड में जो भी खामियां हैं या जो भी कमियां हैं वो लगातार अभी तक चलती आ रही है। हाँ, विप्र बोर्ड बना ही पिछली सरकार में था जी, और 2-2.5 साल ही उसको काम करने के लिए मिले थे, लेकिन काम हो नहीं पाया क्योंकि ना तो बजट दिया सरकार ने, ना कोई टीम दी, ना कोई कार्य योजना थी, ना कोई किसी प्रकार की कोई आगे की योजनाएं थी कि करना क्या है, और वो समय ऐसे ही निकल गया, काम हो नहीं पाया। समाज का जो भले का काम होना था, फायदे का काम जो होना था, वो नहीं हो पाया। अच्छा सर, जैसे कि विप्र बोर्ड बनने के बाद अभी तक क्या कुछ कमियां उसमें बाकी हैं और जो समाज है उसको इससे अभी तक क्या कुछ फायदा मिला है और क्या कुछ फायदा मिलना अभी तक बाकी है? देखिए, विप्र बोर्ड एक नोटिफिकेशन का बोर्ड था जी, जब तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड नहीं बनाएंगे तब तक उसका कोई फायदा लोगों को मिलेगा नहीं जी। और जब तक उसमें बजट नहीं देंगे, एक बड़ा बजट उसमें आवंटित नहीं करेंगे, तब तक कोई योजना पंडित की, पुजारियों की, ब्राह्मण वर्ग में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई योजना, जब तक फंड नहीं होगा तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो जाएगा। वैसे एक गाड़ी मिल गई और ऑफिस मिल गया और घूमते रहो, इसके अलावा और समाज का कोई फायदा होने वाला नहीं जी। और सर, जैसे कि आप विप्र महासभा है उसके संस्थापक हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी ये महासभा है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, लोगों के हितों में किस प्रकार से कार्य करती है? देखिए, हमारा काम करने का जो तरीका है वो सीधा धरातल का तरीका है जी। किसी भी मुद्दे को लेकर के, समस्या को लेकर के हम सड़क पे संघर्ष करते हैं, उस मुद्दे पर काम करते हैं, विधानसभा धरना भी देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, और उस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं जो पीड़ित है, दुखी है। ये हमारा मुख्य, हमारी जो वर्किंग है वो इस तरह की ही रहती है। और मुख्य मुद्दे जो समाज के हैं, EWS वर्ग के हैं, उन मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाना, ये हमारी प्रमुख कार्य करने की योजना रहती है जी। और जैसे कि मैं आपसे पूछूं सुनील जी, कि प्रदेश में जो मंदिरों की जमीनें हैं उनको बचाने के लिए जो संघर्ष आपने किया, उसमें विधानसभा घेराव है, धरना प्रदर्शन किए, तो उसमें इन प्रदर्शनों और विधानसभा घेराव के बाद क्या कुछ परिणाम आपको देखने को मिला, क्या कुछ समाज के हित में है वो उसका, जो नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो इन घेराव और प्रदर्शनों के बाद में सरकार का क्या रुख रहा? देखिए, सबसे पहले 2020 में एक भूखना कांड हुआ था जिसमें पुजारी जी को जिंदा जला दिया गया था जी। उसके बाद में हमने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से मंदिरों की जो जमीन है उनके लिए संरक्षण की मांग की जी। सरकार ने कुछ आदेश निकाले भी, नोटिफिकेशन भी निकाले हैं जी, कलेक्टर्स को डायरेक्शंस भी दिए हैं
लेकिन लगभग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में जो दबंग लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, वो मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। आज भी वो कब्जे हो रहे हैं, कई जगह घटनाएं हो रही हैं जहाँ उनमें कार्रवाई भी नहीं होती, कार्रवाई भी नहीं हो पाती है, पुजारियों को बाहर निकाल दिया जाता है, पुजारियों के लिए कोई संरक्षण नहीं है, सरकार के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं और गंभीरता को नहीं समझते हैं बात को। हमने सरकार से यही मांग रखी थी कि पुजारी प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, पुजारी किसी एक जाति विशेष का नहीं होता। ये एक आम धारणा है, गलत धारणा है कि पुजारी ब्राह्मण ही होता है। पुजारी जो भगवान की पूजा करता है, मंदिर में पूजा करता है, वो पुजारी है। वो जाट भी होता है, गुर्जर भी होता है, मीणा भी होता है, जोगी भी होता है, कई जगह कुमार भी होते हैं, मतलब हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति पुजारी होता है। और उनकी लिए संरक्षण सरकार को करना चाहिए। यदि धर्म को सुरक्षित रखना है, धार्मिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना है, तो उनको बचाना होगा। सुनील जी, जैसे कि आपने बताया, ये तो पुजारियों की बात हुई, आज भी पुजारियों के साथ कई प्रकार की घटनाएं हैं, वो होती रहती हैं, और उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब जैसे कि एक सबसे अहम मुद्दा जो वर्तमान में और पीछे भी हमारे देश में उठता रहा है, प्रदेश में उठता रहा है, लव जिहाद। लव जिहाद की बात करें तो वर्तमान में जो हिंदुओं की बच्चियां हैं उनके साथ लगातार लव जिहाद के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और उन मुद्दों को भी आप प्रमुखता से उठा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जी, इसको सरकार को और सभी सिस्टमों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा केरल में हाथिया केस में जो फैक्ट सामने आए जी, इसमें बड़े लेवल पे फंडिंग होती है, पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक गिरोह के द्वारा एक प्रायोजित तरीके से इस तरह के कार्य होते हैं। इसके लिए हम सरकार से हमने मांग की है जी कि जब इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम बने हुए हैं, जब अपने अपने विवाह के नियम कानून बने हुए हैं, उसके अनुसार ही विवाह वगैरह हो, बिल्कुल बिल्कुल उसके अनुसार ही सारे काम हो। लेकिन 1954 में क्या हुआ, एक नया रास्ता निकाल दिया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें ये कर दिया कि कोई भी धर्म का व्यक्ति शादी कर सकता है कोर्ट में जा करके, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप भाग करके शादी करें या घर वालों से विद्रोह करके शादी करें, उसमें परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। बस ठीक है, शादी कर लें, तो उस समय मुझे लगता है उनका उद्देश्य रहा होगा कि भाई किसी को फेरे नहीं खाने, किसी को निकाह नहीं करना है, उन सिस्टमों से बचना है, तो ठीक है आप जा करके कोर्ट मैरिज कर लीजिए, प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। लेकिन उसका जिस तरह से दुरुपयोग आज हो रहा है, और मात्र मैं मानता हूँ देश में कोई 2-4% व्यस्क ऐसे होंगे जो भाग करके शादी करते हैं। बिल्कुल, ये लगातार मामले सामने भी आते रहे हैं। बाकी इंटरकास्ट मैरिज भी होती है, इंटर रिलीजियस मैरिज भी होती है, लेकिन वहाँ दोनों के परिवारजन इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, इंटरकास्ट में तो परिवारजन इन्वॉल्वमेंट आजकल होना एक साधारण सी बात हो गई है। यदि दोनों बच्चे योग्य हैं और अच्छे समान कैडर के हैं तो वो शादी कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परिवार वाले भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन एक जो ये भगाने की जो परंपरा है, लड़की को भगा के ले गए, उसको घर वालों से दूर कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल समाज में एक उसकी इज्जत प्रतिष्ठा नीचे गिर गई है ना, उसके बाद आप शादी करने का प्रयास कर रहे हैं, कानून आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, पुलिस आपको प्रोटेक्शन दे रही है, तो क्या 2-4% लोगों के लिए कानून और प्रशासन प्रोटेक्शन देता है? लेकिन आज जो 90-95% लोग जो आपको वोट दे करके MLA बनाते हैं, MP बनाते हैं, विधानसभा, आपके दायित्व नहीं है कि आप उन लोगों के लिए कानून बनाएं? बिल्कुल, माँ बाप की सहमति उसमें इन्वॉल्व करें। 1-4% लोग जो भाग करके शादी करते संविधान के नाम पर या स्वतंत्रता के नाम पर, उनका प्रोटेक्शन करना या उनको सुरक्षा देना, ये कहाँ तक उचित है? ये तो मैं इसको उचित नहीं मानता। इस मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर तो बड़े लेवल पर बहस संसद में, विधानसभा में होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको वोट देते हैं, चुनते हैं, वो 95% अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये किसी की बेटी चली गई, वो घूम रहा है, दौड़ रहा है, पुलिस से मदद मांग रहा है, और पुलिस पल्ला झाड़ लेती है कि दोनों व्यस्क हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक परिजन की जो इच्छा होती है, मांग होती है, वो क्या होती है, भाई हमारी बच्ची को भी तो प्रोटेक्शन मिले जी। प्रोटेक्शन दोनों तरफ ही चाहिए होती है उसमें, दोनों चाहिए होती है सुरक्षा। पुलिस तो शादी तक की सुरक्षा दे रही है, परिवारजन चाहता है कि ऑल लाइफ मेरी बच्ची को सुरक्षा मिले, बिल्कुल, उसकी गारंटी कौन देगा?
आप शादी तक की तो सुरक्षा दे दी और शादी करा दी, उसके बाद में सूटकेस में बच्ची मिल रही है, फ्रिज में बच्ची मिल रही है, बोरे में बच्ची मिल रही है ना, तो उस चीज का प्रोटेक्शन कौन देगा, उस चीज की सुरक्षा कौन देगा, उस पर कभी बहस नहीं होती। और जब इस देश में तीसरी बार जी मोदी सरकार बनी है, हिंदुओं के वोट से सरकार बनी है, और हिंदुओं के पक्ष में यदि आप कोई कानून नहीं बना पाते, अभी भी 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट चलता है या अन्य कानून चलते हैं, तो फिर भाई हिंदू वोट देना ही बंद कर देगा कि भाई वोट किस लिए दे। अगर उन्हें सुरक्षा, उनके जो पुत्र पुत्री हैं उन्हें अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग का जो नजरिया है वो शायद जनता का बदलेगा आने वाले समय। हम आज देख रहे हैं ना, कई मुद्दों में मैंने इन्वॉल्व रहा तो जो परिवारजन है लास्ट में थक के घर बैठ जाते हैं दुखी होकर के, और अपनी बेटी को मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा है उस पीड़ा को यदि हर व्यक्ति अपनी पीड़ा समझ करके माने तो उसकी समझ में आएगी कि बात क्या है। अब वो घर से निकलना ही उसका दूभर हो जाता है, वोट तो वो कैसे देने जाएगा, उसका घर से निकलना समाज में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या को गंभीरता से सरकार को समझना होगा, इस पर निर्णय लेना होगा। जी, कुछ एक लोग शादी करते हैं भागते हैं, क्यों भागते हो, आप घर वालों को समझाइए, घर वालों को विश्वास में लीजिए, आप जिस लड़के से शादी कर रहे हैं वो लड़का यदि आपके परिवारजन को विश्वास में नहीं ले सकता है तो आप कैसे उसके साथ सही रह सकते हैं। ये प्रेम प्रसंग और जो चलता रहता है इसमें सबसे मेन बात यही आती है कि अगर आप एक दूसरे के परिवार से बात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो प्रोटेक्शन की बात तो बहुत दूर रहेगी। क्या होता है सर कि विवाह एक दो परिवारों का मिलन है जी, हमारी भारतीय संस्कृति में एक दो परिवारों का इन्वॉल्वमेंट होता है विवाह में, दो परिवार मिलते हैं। आज हिंदू विवाह अधिनियम में अलग व्यवस्था है शादी की, मुस्लिम विवाह में अलग व्यवस्था है शादी की, उनके यहाँ भी प्रतिबंधित जो शादियाँ हैं वो कर रखी हैं कि मुस्लिमों में मूर्ति पूजा और उपासक, मूर्ति उपासक लड़की से मुस्लिम शादी नहीं कर सकता, उसको अनियमित माना है। तब एक तरफ तो आप पर्सनल लॉ को बड़ा मानते हैं, भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन जब कोई लड़का लेके भाग गया तब जियाद कर रहा है तो आप कहते हो नहीं सर स्पेशल मैरिज एक्ट बड़ा है, तो भाई कहीं तो व्यवस्थाएं सुधरे, एक को तो बड़ा माने आप। व्यवस्थाओं की कमी है जी। सुनील जी, इसमें मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि लव जिहाद पर जो राज्य सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया हुआ है, इसके साथ ही इस पर अलग कानून बनाने के लिए जो हलफनामा दिया हुआ है उसमें अब तक कानून नहीं बन पाया है, और इसमें आप लगातार प्रदेश के विधायकों से मिलते रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और आप उनके सामने अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन इसमें कानून न बनने का अब तक का कारण क्या रहा? देखिए कानून बनाने की इच्छा शक्ति जी और आपसी सहमति की आवश्यकता है, हमारे प्रयासों से कल विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा जी, और पूरी सदन ने आम सहमति के साथ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों विधायकों ने आम सहमति दी कि बिल्कुल ये होना चाहिए, माता पिता की जो सहमति है वो शादी में विवाह में लिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब दोनों पक्ष के विधायक ही मांग रखने, कांग्रेस रतनगढ़ से कांग्रेस विधायक ने मांग रखी पूसाराम गोदारा जी ने जी, और कल माडलगढ़ के विधायक कृष्णा राम जी ने मांग रखी, जब दोनों दल के विधायक ही मांग रखने तो सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए, कोई डायरेक्शन जारी करने चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि भाई जहाँ भी आप शादी कर रहे हैं माता पिता की भी सहमति उसमें हो। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं बात करूँ तो जयपुर चित्तौड़ में ब्राह्मणों, कोटा में गुप्ता, और जयपुर में जो राजपूतों की बेटियां हैं वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, लगातार ही ये मामले आपको भी पता है, इसमें पुलिस की जो भूमिका है उसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए ये जो लव जिहाद का मामला है ब्राह्मण बनिया राजपूत तक ही नहीं है, इसमें उनका जो रहता है सभी हिंदू समाज की लड़कियां टारगेट रहती है जी, और एक बड़े स्तर का एक ये मामला है। हादिया केस में केरल में ये स्पष्ट हो चुका है कि भाई इसमें फंडिंग होती है बड़े लेवल बाहर से होती है, और जहां तक मेरी जानकारी में आया कि जातिगत आधार पर तय होती है फंडिंग, कि यदि ब्राह्मण की लड़की है तो इतना पैसा मिलेगा, राजपूत की है तो इतना मिलेगा, मतलब हर कास्ट वाइज उसमें पैसा डिवाइड होता है, कास्ट वाइज इसका फंडिंग का मुझे मैंने सुना है कि इस तरह का होता है। पुलिस इसमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है, काम नहीं करती है, क्योंकि जब इतनी बड़ी फंडिंग चलती है तो हो सकता है पुलिस प्रशासन को भी वो लोग सेट करते हैं, क्योंकि जिस थाने का मामला होता है उस थाने में SHO हाथ बांध के बैठ जाता है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी सेट है, सेट होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी फंडिंग वगैरह होती है शायद। तो पुलिस को, प्रशासन को प्रथम सूचना मिलते ही सबसे पहले ये जानकारी करनी चाहिए कि भाई इसमें कोई गिरोह का हाथ तो नहीं है, इसकी मंशा क्या है, ये जो लड़की को जाल में फंसा लिया है तो इसके पीछे मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, ऐसा जादू बसीकरण कुछ नहीं होता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कई जगह टॉयलेट में, बस स्टैंड पे, बसों में आपने जब पोस्टर लगे देखते हो आप कि बसीकरण के लिए संपर्क करें और नीचे नंबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जादू ये पोस्टर लगाए होते हैं, जादू काला जादू टोने के लिए, बसीकरण के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए आप हमसे संपर्क करो, नंबर होता है। जब जो व्यक्ति प्रचार करके अपने पास बुला रहा है और आप कह रहे हो नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, जब पुलिस प्रशासन से बात करते हैं नहीं ऐसा जादू टोना कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बात है, दूसरी तरफ लोग पर्चा चिपका करके बुला रहे, आप कैसे कहते हो कि नहीं होता है। 100% होता है, और वो 100% बसीकरण होता है, बसीकरण में ही लड़की वो सारे जाता है किसी जादू, सारा बयान, सारी लिखा पढ़ी, सारा जो भी उसको करना है वो उस समय उस बसीकरण में करती है। यदि पुलिस प्रॉपर तरीके से मौका दे, लड़की को ला करके परिवारजन को सौंपे 10-5 दिन के लिए, भाई देखो सर जब व्यस्त है तो शादी तो वो 10 दिन बाद भी करेंगे, एक महीने बाद भी करेंगे, 2 महीने बाद भी करेंगे, कभी भी कर लेंगे, लेकिन आप एक मौका घर वालों को, परिवारजन को आप मौका तो दे कि इस बच्ची को समझाए, बात की जाए, समझाए, लेकिन जाए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी इसमें इस रात नहीं देता परिजनों को जी, बल्कि लड़की को केवल एक थाने में बयान करा करके और उन्हीं को सौंप देते हैं वापस जाए कि भी हाँ जो जिसके साथ शादी करी है उसी के साथ, उसी के और उसके गिरोह को, जो गिरोह बाहर खड़ा रहता है वकीलों का अन्य लोगों का, उन्हीं को सौंप देते हैं और वो बड़ी हंसी खुशी ले जाते हैं, और वो परिवारजन ठगासा महसूस करता है अपने आप को। हाँ, परिवारजन तो वहाँ पे एक लाचार की तरह देखते रह जाते हैं। बिल्कुल, ये इसमें बड़े लेवल पर एक फैसला हो कि भाई ऐसे नहीं, आप शादी कर रहे हैं पहले घर रहिए, शादी से पहले तक तो घर रहिए आप। बिल्कुल, आपने भी सही है भाई, मतलब बड़ा ही अजीब तरह का कानून है सब, शादी के लिए एप्लीकेशन लगा दी। बिल्कुल, एप्लीकेशन लगा दी, 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है ऑब्जेक्शन का, तो आप तो शादी की एप्लीकेशन लगाते ही भागना चालू कर दिया, घर पे बैठिए, घर पे समझाइए कि हम शादी करना चाहते हैं, जो जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं वो ये काम करता है, वो मेरे साथ रहता है, पढ़ा लिखा है, घर वालों को तो इस चीज की जानकारी हो, यदि उनकी शक्ल देखोगे तो बिल्कुल 2 कौड़ी का व्यक्ति है ना, और कैसे कोई अपनी बेटी किसी को सौंप देगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अरेंज मैरिज भी करते हैं तो उसमें भी जो सामने वाला लड़का या लड़की होती है तो उसमें भी कई तरीके के गुण देखते हैं कि भी हाँ ये अपना घर संभालने के लिए सही है, नहीं है, अपनी बेटी या बेटे को संभाल पाएगा, तो यही सेम चीज उसमें भी होनी चाहिए जी, उसको और माता पिता ही देखेंगे, उसको माता पिता से बेहतर कोई बच्चे का भला कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल, इस दुनिया में, और यदि उनको यहाँ फ्री करने के कानून चल रहे हैं देश में, ये हमारी भारतीय संस्कृति में जहाँ माता पिता को पूजनीय माना जाता है, माता पिता को सब कुछ माना जाता है, और उन्हीं माता पिता को आप मक्खी की तरह फेंकने का कानून यदि इस देश में चलता रहेगा, आखिर भाई माता पिता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, फर्ज होते हैं, कुछ फर्ज होते हैं, उनको भी बेटी की शादी करके कन्यादान करना होता है जी। दूसरी तरफ संविधान में ठीक है अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी संविधान में दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, हर व्यक्ति अधिकार की बात करता है, आप कर्तव्य की भी तो बात करिए कि आपके कर्तव्य क्या है, आपके माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, आप उन पर भी तो भाई बात करिए। एक ही रटा कोर्ट हो या पुलिस हो, प्रशासन हो, या 2 व्यस्क हैं और उनको शादी की अनुमति है, यही कानून चलेगा देश में, फिर यही कानून 1954 का ही चलेगा और चलता रहेगा, तो फिर भाई सरकार बदलने का क्या फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इस चीज पर भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो भी आहत होती है और वो भागकर शादी कर तो लेती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें जो बाकी का उसके बाद का जो अंजाम होता है उसके बारे में नहीं पता होता जी। सर ये तो हुई लव जिहाद की बात, अगर मैं बात करूं आपके संघर्ष की, तो आपने अपने संघर्ष में बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके हितों के लिए काम किया है, बहुत सारे लोगों के हितों के लिए काम किया है, तो जो नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े चल रहे हैं उसमें भी आपने CBI जांच की मांग की है, इसके साथ ही क्या जो आपने नौकरी छोड़ी है तो इसमें आप क्या जो सिस्टम है उससे आहत होके
कि उसमें किस प्रकार से जो सिस्टम है वो आम जन के हित में काम नहीं कर रहा है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में काम नहीं कर रहा है, तो उससे आहत होकर आपने नौकरी छोड़ी है, इसकी कोई और वजह है? नहीं, नौकरी तो मैंने एक आम आदमी के लिए संघर्ष के लिए छोड़ी थी, बाकी ये 100% है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है नर्सिंग कॉलेजों का जी, बहुत बड़ा घोटाला है। आप यदि इसमें कोई CBI जांच हो, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, करोड़ों का लेन देन है जी, कि CBI की भी आंखें पटी रह जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्था भी नर्सिंग जो है वो बहुत बिना मापदंडों के कॉलेज चल रहे हैं, बिना फैकल्टी के कॉलेज चल रहे हैं। और मैंने तो बीच में अभी पिछले साल संघर्ष किया था जी, पहले 50% सीटें नर्सिंग कॉलेजेस को भरने के अधिकार दे रखे थे। बिल्कुल, और वो उस पर मनमाने तरीके से बच्चों को लेते थे डोनेशन लेकर के। तो मैंने सरकार से मंत्री से बात रखी थी और पिछली बार से 100% सीटें काउंसलिंग से भरने के निर्देश सरकार ने जारी किए थे, जो बिना फर्जीवाड़े के मतलब बच्चों को राहत मिल सके, जो RUHS की मेरिट में जो बच्चे होते हैं जी, उनको 100% काउंसलिंग से भरने के आदेश सरकार ने जारी किए। कॉलेज के जो यूनियन है वो हाई कोर्ट में भी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसको सही माना, क्योंकि जब नीट में आप 100% काउंसलिंग से हो रहे हैं, अन्य सभी BEd में किसी भी कोर्स में जब 100% काउंसलिंग से सीटें भरती है, तो नर्सिंग में 50% सीटें किस बात के लिए भरती है भाई जी। तो वो सरकार ने बंद किया। और कॉलेजों में जो गड़बड़ियां हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं कि छोटे छोटे मकानों में कॉलेज चल रहे हैं, बिना फैकल्टी के कॉलेज चल रहे हैं, बिना लैब के कॉलेज चल रहे हैं। बिल्कुल, और वही इंस्पेक्टर, वही अधिकारी, वही कॉलेज मालिक जी। एक बड़ा कोकस है, बड़ा एक ग्रोह है, जिसको तोड़ना भेदना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकारी भी उनके इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, अधिकारी भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं, और वो भी उनकी पढ़ाई हुई बातें ही बोलते हैं। बिल्कुल, वो जो कहते हैं वही अधिकारी बोलते हैं। और चूंकि मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, हेल्थ यूनिवर्सिटी में मैंने 5 साल काम किया है, तो मैंने देखा है कि कैसे कॉलेज चल रहे हैं और किस तरह से कॉलेज चल रहे हैं, जिनको 15-15 साल कॉलेज को चलते हो गए, लेकिन आज उनके पास खुद का हॉस्पिटल भी नहीं है, अभी तक खुद की बिल्डिंग भी उन्होंने नहीं बनाई है। बिल्कुल, फिर भी आप कॉलेज चला रहे हैं, चले जा रहे हैं, फीस आप पूरी ले रहे हो बच्चों से, 100% फीस आप वसूल रहे हो, कहीं देनी नहीं है, उसके बाद भी आप बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं दे रहे। बिल्कुल, इसमें मतलब फर्जीवाड़े के तहत बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है पूरी बड़े लेवल पर। इसमें जो कोर्स है पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग, वो टोटली नॉन अटेंडिंग होते हैं, बच्चा कॉलेज जाता ही नहीं है, केवल एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में फिर वो पैसे लेके वैसे पास कर देते हैं। और शायद आप सोचिए, स्पेशलिटी कोर्स, आज मान लो डॉक्टर हो जी, कोई बच्चों का डॉक्टर है, और वो बिना प्रैक्टिस करे, बिना हॉस्पिटल जाए और डिग्री ले गए, वो कैसे इलाज करेगा, कैसे सर्जरी करेगा, कैसे ये जो सर्जरी वगैरह है, क्योंकि इससे तो जो स्वास्थ्य है आम जनता का उसके साथ खिलवाड़ प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, ऐसी नर्सिंग में जो सुपर स्पेशलिटी कोर्स है, MSc नर्सिंग है जी, वो अलग अलग ब्रांचेज में होता है, सर्जरी में होता है, पीडियाट्रिक में होता है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या मतलब जनता के लिए क्या सेवा करेगा? आम जनता के साथ पूरी तरह खिलवाड़ है इसमें, तो सरकार को CBI जांच करानी ही चाहिए। मैं आज भी आपके चैनल पे बात बोल रहा हूँ जी। सर, जैसे कि EWS है, EWS में आपने जो छात्रवृत्ति देने की मांग है उसको भी लगातार आपने उसके लिए भी संघर्ष किया है। वो सर इसलिए कि देखो, गरीब की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, हर जाति में एक गरीब परिवार होता है। बिल्कुल, हर उस गरीब को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, जो उसके पास होता नहीं है। बिल्कुल, हमने ये मांग रखी। EWS में पिछली बार भी बजट दिया था गहलोत सरकार ने जी, लेकिन EWS अध्यक्ष नहीं होने से वो बजट कोई काम नहीं आया, जो का तो पड़ा है, जो की तो ही रहा, वो लैप्स हो जाता है एक साल में जी। इस बार भी हमने इस बजट में मांग रखी थी, सरकार ने 150 करोड़ रुपए EWS बोर्ड को दिए हैं, लेकिन EWS बोर्ड में जब कोई चेयरमैन होगा तो उस बजट का उपयोग छात्रवृत्ति में या अन्य सुविधाओं में बच्चों को काम आएगा, नहीं तो वो बजट भी बजट घोषणा बन करके रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो अगर चेयरमैन नहीं होगा तो वो वैसे ही बजट एक साल में वैसे ही लैप्स हो जाना है, लैप्स हो जाता है, योजनाएं नहीं बन पाती हैं, अधिकारियों को तो अपने डिपार्टमेंट से फुर्सत नहीं होती। यदि कोई
स्पेशल चेयरमैन इसका अपॉइंट होगा तो वो इसी का काम करेगा, इसी पे ध्यान देगा। और ईडब्ल्यूएस एक बहुत बड़ा एक सामान्य वर्ग है जो इस सरकार का बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। बिल्कुल। और ईडब्ल्यूएस वर्ग में ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, जैन, कायस्थ, माथुर, लगभग लगभग हर कास्ट के लोग आते हैं। अदर देन रिजर्व कैटेगरी सारी आती है इसमें। मोमडन के मोमडन्स भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी सब आते हैं। तो इतने बड़े वर्ग पे सरकार को ध्यान देना चाहिए जिसके जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं। और हम मांग क्या रहे हैं, कोई नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं भाई, उनको केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदद तो करे सरकार। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा टैक्स भी हम ही देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी हमारी जो वर्ग है वो ही देते हैं। तो हमारे जो गरीब परिवार है उनको भाई कुछ तो सरकार मदद दे, उनको पढ़ने लिखने के लिए तो पैसा दे दे जो बेचारे पढ़ नहीं सकते। ये हमारी विशेष मांग हमेशा रहती है, हर सरकार में रहती है। जी सर, जैसे कि एक आपकी संस्था जिसके आप चला रहे हैं फाइट फॉर राइट, अपने हक के लिए लड़ाई, ये संस्था किस प्रकार से काम करती है? देखिए, फाइट फॉर राइट जो मुद्दे होते हैं जिनमें हमें लगता है कि बिल्कुल ये मुद्दा सही है, बिल्कुल जिसमें हमें काम करना चाहिए, उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो नर्सिंग में 100% काउंसलिंग का मुद्दा था वो इसी संगठन के मार्फत से उठाया। ईडब्ल्यूएस के मुद्दे भी हम इसी संगठन से उठाते हैं। और अन्य भी जहाँ कहीं कोई किसी इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं जहाँ परिवार पीड़ित होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो हम उसकी देखते हुए मुद्दे को और उसकी मदद फाइट फॉर राइट के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, सरकार के ध्यान में लाते हैं, सरकार के अधिकारियों के यहाँ बात उठाते हैं तो और वो उनको न्याय मिलता है। मतलब कि आमजन के हित के लिए आपकी संस्था है वो हर वक्त काम करती है। हाँ बिल्कुल, यथासंभव जो मुद्दे हमें लगते हैं कि इसमें मतलब जो लड़ाई है वो राइट के लिए, जी तो उसके लिए हम जरूर मैदान में उतरते हैं और उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि सत्ता और संगठन तक हर मुद्दे को लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष आवाज उठाई जाती है, और एक बात ये कहूँ कि सर जो पावर में होता है या जो बड़े लोग हैं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस व्यवस्था को सही कर लेते हैं या अपने साथ जो भी अन्याय होता है उसमें न्याय ले लेते हैं। लेकिन जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो जनता जब उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए प्रशासन है, बड़े बड़े नेता, राजनेता, मुख्यमंत्री तक की चौखट है, वहां पर अपना मत्था टेकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मिलता क्या है, सिर्फ आश्वासन। क्या आप भी जब जाते हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है या फिर उसमें परिणाम देखने को मिलता है आपको? नहीं देखो, ये समस्याएं तो हैं, हमारे साथ भी है, हम भी हर जगह डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम संगठित हैं और समूह में जाते हैं। बिल्कुल सर। अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है उसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि विभागों में अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। जी। किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, अधिकारी मीटिंग में मिलेगा आपको, मीटिंग में व्यस्त है, बीसी में व्यस्त है। बिल्कुल। सरकार को करना चाहिए कि हर विभाग का एक समस्या समाधान एक केंद्र बनाना, जैसे जनसुनवाई वाला कार्यक्रम एक होना चाहिए, वो हर विभाग का होना चाहिए, हर विभाग में, और वो स्पेशल उसमें एक टीम गठित होनी चाहिए जिससे आम व्यक्ति उस जगह जाए, अपनी समस्या रखे और उसका त्वरित कार्रवाई हो जाए, उस पर त्वरित कार्रवाई हो। जी। और उसमें हायर ऑफिसर बैठे जिससे वो किसी को इंस्ट्रक्शन दे सके। जी। होता क्या है, जैसे जेडीए है, नगर निगम है, बिजली विभाग है, जलदाय विभाग है, अब वो बना तो रखे केंद्र जनता के लिए। जी। लेकिन उसमें किसी क्लर्क को बैठा दिया, अब वो कागज लेने के अलावा और क्या करेगा, वहाँ ऑफिसर्स बैठे और मौके पे ही समस्या निपटा है। ये सरकार को इसके लिए बड़ा प्लान बनाना चाहिए आम जनता के लिए, क्योंकि तो आम जनता परेशान होती है। आपने सही कहा कि जो बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, प्रभाव वाला है, उसके काम तो टेलीफोनों पर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। परेशान होती है हर सरकार में आम जनता, जिसका भी आम जनता ही है, पिस्ती भी आम जनता ही है। बिल्कुल सर। डिपार्टमेंटों के बाहर आपने देखा होगा जो बैठे हुए गरीब लोग हैं, ऐसा है लोग जी, हर डिपार्टमेंट में बैठे बाहर बैठे लोग मिल जाते हैं जो मतलब बार बार न्याय के लिए उनकी चौखट खटखटाते हैं। जी सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आपके द्वारा जो अब तक संघर्ष किए गए हैं और लोगों को उनके हकों के लिए लड़ने के लिए आप किस प्रकार से प्रेरित करते हैं, क्योंकि हर इंसान के संघर्ष की कोई ना कोई कहानी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है या कोई ना कोई, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम किताबें पढ़ के उनसे प्रेरणा लेते हैं या जो हमारे महान लोग
लोग हुए हैं जो पीछे के चाहे राजनेता मान लें या बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें संघर्ष के लिए या आम जनता के हितों के लिए ही काम करना है। आप आम जन को या जो स्टूडेंट्स हैं छात्र हैं उन्हें किस प्रकार से प्रेरित करते हैं और आप भी किससे प्रेरित होते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो सारे युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि मुद्दों पर आगे आइए, बोलिए, मुद्दों को रखिए, आवाज उठाइए। तो विवेकानंद जी ने कहा, उठाओ, उठो, जागो और संघर्ष करो। बिल्कुल। अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी, भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, चंद्रशेखर जी ने लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी, मंगल पांडे जी ने पहली बार कारतूसों के लिए आवाज उठाई। तो किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी अपने हक के लिए, लड़ना होगा। बिल्कुल। ये नहीं देखना है कि भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो, आपको ही आगे आना होगा। और कोई सा भी युग रहा हो, कोई सा भी शासन रहा हो, 95% लोग अपने दैनिक दिनचर्या में मस्त रहते हैं जी। अपना जॉब किया, खाना खाया, सो गए। 5-10% लोग होते हैं जो समस्या को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन आम जन से तो मेरा ये निवेदन है कि जो लोग संघर्ष करते हैं आप उनका साथ ही दे दीजिए, उनके साथ ही आ जाइए, उनके साथ खड़े हो जाइए। साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, सोशल मीडिया पे खड़े हो जाइए। बिल्कुल। एक उंगली का सोशल मीडिया भी आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप एक अंगूठा उनके जो संघर्ष के कामों पर ही लगा दीजिए, यही बहुत बड़ा आपका सहयोग होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई अच्छा सा फोटो आप डालेंगे विवाह का, जन्मदिन का, तो उस पर तो 500,000 लाइक आएंगे, और यदि संघर्ष का आप डालोगे तो 50 आएंगे। 50 भी मुश्किल से आते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल इंटरेस्ट नहीं होता आजकल। बिल्कुल, लोग दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरफेयर, हाँ हालांकि अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है तो इंटरफेयर करते हैं लोग, लेकिन अगर उसके हक की बात है तो लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो देखो, सरकार है, लोकतंत्र है जी, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की सुनी जाती है। आप जो समस्या है, सामूहिक जो मैटर है, उनके लिए तो आपको आगे आना चाहिए। बेरोजगारी है, रोजगार है, कई सारे जो मुद्दे हैं, सड़क के, पानी के, जो हर बारिश में ही सड़क टूट जाती है। बिल्कुल, ऐसी कैसी सड़क बनाते हैं तो हर बारिश में टूटती है, सीमेंटेड बना दो। एक हमारे देश में एक व्यवस्था ये भी है कि सर, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जैसे कि सड़क बनने के बाद उसमें या तो पाइपलाइन डाली जाती है या गैस पाइपलाइन डाली जाती है, जिसके बाद वो सड़क के तोड़ने के बाद वो फिर कई सालों तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है। तो आमजन को फिर से उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर सारे डिपार्टमेंटों का एक बड़ी एक कार्य योजना बने जी, एक बार सड़क बनने से पहले जो भी बनाना बना लो एक साथ ही, उसके बाद जगह जगह सड़क खोद दी, पाइपलाइन। अब बताओ, LPG की पाइपलाइन डाल रहे, अभी डाल रहे हैं। हमारे हमारे देश में हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या है? गैस पाइपलाइन जैसी ऐसी ज्वलंत चीज आप जी बिछा रहे हो, उसकी सुरक्षा क्या है? लोग डीजल ही निकाल लेते हैं गांवों में। अगर पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन अगर अंडरग्राउंड करते हैं तो जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो अगर कहीं ना कहीं ये अगर आम जनता इसमें नुकसान पहुंचाती है पाइपलाइन को, या गैस चोरी करने की अगर वो हिमाकत करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये घटना देखने को मिल सकती है दोबारा। ऐसी चीजों की आवश्यकता ही नहीं है जी। चल रहा है सिस्टम, जो चल रहा है ठीक है, बेटर है, लेकिन जो बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े जो आइडिया लाते हैं, वो एक बड़ा बजट सेंशन होता है, फिर काम होता है, सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अफसर से लेके ऊपर तक के लोग, तो वो इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। आम आदमी उस पर ध्यान नहीं देता कि भाई हो रहा है, काम निकल जाता है साइड से, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आम व्यक्ति को जागने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों के लिए, अपने मिशन के लिए आप जागिए, आगे आइए, आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाएंगे तो सरकार सुनेगी, कोई रास्ता निकलेगा, वरना तो देश की जो हालत है वो लगातार दिनों दिन खराब होती जा रही है, इसमें कोई दो राय जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के हमारे मुख्य गेस्ट, जिनसे आज हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, लव जिहाद को लेकर बात करी, इनके संघर्ष की कहानी भी हमने सुनी। मैं भी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, आप अपने हक के लिए उठिए, क्योंकि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप हमेशा दबाए जाएंगे। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।